अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज वेब डेवलपमेंट का सेकंड लेक्चर है। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं लिया जो कि था इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट, तो वो लेक्चर जरूर लीजिए, क्योंकि ये एक सीरीज पूरी चलेगी। सीक्वेंस के साथ लेक्चर लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, तो स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर लें। तो अगर तो आपने वो लेक्चर ले लिया तो वेल एंड गुड, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट। आज सेकंड लेक्चर है, तो आज हम HTML के कुछ टैग्स पढ़ेंगे, कुछ उसका यूज स्टार्ट करेंगे, बेसिकली कि किस तरह से HTML को हम यूज करते हैं। ओके, तो पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर लेना है, विजुअल स्टूडियो कोड। ये एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है हमें कोडिंग के लिए। ठीक है, तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो इसको मैं कर देता हूँ ओपन। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि एक HTML की फाइल को किस तरह क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो HTML से स्टार्ट करें ना, हमारी पहली लैंग्वेज क्या है? HTML। वेब डेवलपमेंट के लिए कई लैंग्वेजेस यूज होती हैं, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript। तो हमने स्टार्ट किससे किया? HTML से। ओके, तो आपने उससे भी पहले एक काम करना है। क्या करना है? आपने जाना है अपने माई कंप्यूटर में, जहां पर भी आपने एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है जिसमें हम सीक्वेंस के साथ अपनी फाइल्स बनाते जाएंगे और कोडिंग करते जाएंगे। ओके, तो मैंने एक ये फोल्डर बनाया है YT कोडिंग के नाम से। ठीक है, इसके अंदर एक और फोल्डर बना लिया है HTML के नाम से, और उसके अंदर एक और फोल्डर बना लिया है Day 1 के नाम से। ओके गाइज, Day 1 के नाम से एक फोल्डर बना लिया। तो मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर को ड्रॉप कर दूंगा विजुअल स्टूडियो के अंदर, ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ओके, मैं ड्रैग करके यहां पर इसे क्या करता हूं, ओपन कर देता हूं। तो जैसे मैं यहां पर ओपन करूंगा, यहां पर वो सेव का कह रहा है तो मैं इसे सेव कर देता हूं। ठीक है, और इसे भी सेव कर देता हूं। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये आई ट्रस्ट द ऑर्डर। ओके, ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं कि ये देखिए यहां पर क्या शो हो रहा है, Day 1 लिखा आ गया। क्या हो रहा है शो? यहां पर इस फोल्डर का नेम शो हो रहा है। तो क्या करना है, इसी तरह आपने आते ही एक फोल्डर बना के उसे यहां पर ड्रॉप कर देना है, तो यहां से फोल्डर ओपन हो जाएगा। अगर आपने फोल्डर ड्रॉप नहीं करना तो फोल्डर बना के रखें, यहां फाइल में जाएं और यहां पर ओपन फोल्डर वाले ऑप्शन में जाकर सिंपल फोल्डर को ओपन कर लीजिए। ओके, तो ये देखें, ये आपको एरो नजर आ रहा होगा, ये फोल्डर को क्लोज करता है और ये ओपन करता है। ठीक है, इसके अंदर ये पहला ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, ये इस पर जैसे माउस लेके आता हूं यहां पर क्या आ रहा है, न्यू फाइल। ठीक है, पहला न्यू फाइल है, दूसरा क्या है, न्यू फोल्डर। अगर इसके अंदर एक और फोल्डर बनाना है तो मैं यहां से भी बना सकता हूं, और अदरवाइज मैं इसके अंदर जाकर एक और फोल्डर बना सकता हूं। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया काम, कि मैंने एक फोल्डर को ड्रॉप किया विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ओके, अब हम इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे जो कि होगी पहली फाइल किसकी, HTML की। तो ये मैं वेलकम वाला पेज से ऑफ कर देता हूं। ओके, और यहां से मैं क्या करता हूं, एक फाइल क्रिएट करता हूं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो वो पूछ रहा है कि फाइल का नाम क्या रखना है। तो सबसे पहली जो फाइल होती है HTML की, उसका हम नाम रखते होते हैं इंडेक्स। ठीक है, आप कोई और भी रख सकते हैं लेकिन इंडेक्स रखेंगे तो बेहतर है, इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स। इसके बाद क्या करना है, फाइल का नेम के बाद उसकी एक्सटेंशन बतानी है। एक्सटेंशन क्या चीज होती है, आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में, या कॉन्सेप्ट अगर पिछले लेक्चर लेते रहते हैं आपको तो इंडेक्स का कॉन्सेप्ट पता है, उसका एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन क्या होती है, वो डॉक्यूमेंट की टाइप को रिप्रेजेंट करती है। जिस तरह ऑडियो फाइल का क्या होती है, MP3 ज्यादातर, और वीडियो की MKV या MP4 होती है। इसी तरह हम डॉक्यूमेंट कौन सी टाइप का बनाने जा रहे हैं, कौन सी टाइप की फाइल बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं HTML की। तो HTML की एक्सटेंशन जो होती है, वो होती है .html। ओके, जैसे ही देखिए मैंने .html लिखा तो ये देखिए यहाँ पर इसका ना छोटा सा लोगो आ गया। ये इसका बेहतरीन फीचर है कि ये साथ साथ उसके बता देता है कि ये किस किस्म की फाइल है। ओके, index.html मैंने लिख लिया, अब मैं इसको करता हूं एंटर। तो जैसे मैंने ये एंटर किया तो आप देखेंगे कि यहां पर वो फाइल ओपन हो गई, और ये देखिए बार पर नजर आ रही है पहली फाइल। ओके, अब मैं दूसरे फोल्डर में भी दिखा देता हूं कि वहां पर भी क्रिएट हो गई हुई। ये देखिए Day 1 है, इसको मैं ओपन करता हूं तो Day 1 के अंदर फाइल क्रिएट होगी index.html की। इसको मैं लार्ज साइज कर देता हूं, index.html की यहाँ पर फाइल ऐड हो गई। ओके, और ये देखें ये कौन सा ये आ रहा है इस पर लोगो, ये आ रहा है क्रोम का। क्यों? क्योंकि ये ब्राउजर यही सिलेक्ट है। ये डायरेक्ट जो भी हम HTML जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उस, वो आप कहाँ पर देखते हैं, आप इंटरनेट पर ही देखते हैं ना। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ NTU।
ओके एनटीयू एक यूनिवर्सिटी है जिसकी मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ। तो ये देखें, ये एक प्रॉपर वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। तो अब ये वेबसाइट कहाँ पर ओपन हो रही है, ये एक ब्राउजर में ही ओपन हो रही है ना, ठीक है। तो ये HTML की फाइल, HTML की फाइल भी जितनी भी हम कोडिंग करेंगे उसका जो आउटपुट आएगा वो ब्राउजर के अंदर होगा, और कोई ना कोई ब्राउजर सिलेक्ट करना होगा। तो अगर तो आपके क्रोम इंस्टॉल है, मैं क्रोम को यूज करूंगा ज्यादातर, ठीक है। बाकी ब्राउजर भी आप कर सकते हैं, जैसे कि फायरफॉक्स भी है मेरे पास, ओपेरा भी है, तो आपके वो वाला यहाँ पर आ सकता है लोगो, ओके। अदरवाइज कोई और सिलेक्ट करनी है फाइल तो यहाँ ओपन विद करके आप यहाँ से कोई भी ब्राउजर सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। मेरा क्रोम है तो इसे मैं क्रोम ही रहने देता हूँ। तो ये सिंपल क्या हो गई, एक फाइल क्रिएट हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फाइल को क्रिएट करने के बाद HTML की फाइल को किस तरह बनाया जाता है, ओके। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने HTML की फाइल को क्रिएट कर लिया। अब इसकी कोडिंग में सबसे पहली जो लाइन, HTML की फाइल में सबसे पहली जो लाइन होती है वो लिखते हैं हम डॉग टाइप का टैग। अब डॉग टाइप क्या होता है वो भी आपको बताता हूँ, पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, ये देखिए मैंने सबसे पहले एंगल ब्रैकेट, जितने भी टैग्स लिखेंगे ना हम, ये HTML का सिंटैक्स है कि जितने भी हम टैग्स लिखते हैं हम उनको लिखते हैं किसके अंदर, एंगल ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये देखें, जैसे मैंने एंगल ब्रैकेट की तो मेरे पास ये देखें काफी ना रिकमेंडेशन नीचे आ गई। ये विजुअल स्टूडियो का ये एक फीचर है कि ये हमें लैंग्वेज के रिलेटेड साथ रिकमेंड कर देता है कि आप कौन सा टैग यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें, वो खुद ब खुद समझ गया कि आई थिंक ये ना डॉग टाइप लिखना चाह रहा होगा क्योंकि अभी इसने फाइल स्टार्ट की है। तो ये सॉफ्टवेयर हमें हेल्प करता है ये चीजें लिखने के लिए, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले एंगल ब्रैकेट, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। फिर आपने क्या लिखना है, डॉग टाइप, ठीक है। मैंने डॉग टाइप लिख देता हूं, तो ये मैंने डॉग टाइप लिखा तो ये साथ ही HTML भी साथ लिखा गया, तो ये प्रॉपर HTML है, प्रॉपर टैग है कंप्लीट। चले मैं खुद मैनुअली लिखता हूं, ठीक है। एच डॉग टाइप HTML और एंगल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया, ये सबसे पहली लाइन मैंने लिखी एक HTML की फाइल में जो कि ब्राउजर को ये बताएगी कि ये क्या चीज है, ये एक HTML की फाइल है, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज क्या होती है और टैग्स क्या होते हैं उसका एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ओके। तो आपके सामने ये एक और विंडो आ चुकी है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम क्या यूज करते हैं, एक डॉग टाइप HTML की ये लिखते हैं, ये एक टैग लिखते हैं। टैग किसे कहते हैं, ये जो एंगल ब्रैकेट में लिखा जाती है ना चीजें, इन्हें हम टैग्स कहते हैं, ओके। HTML की लैंग्वेज में हम इन्हें टैग्स कहते हैं। तो ये हमें प्रोग्राम लिखने में हेल्प करते हैं। तो ये डॉग टाइप HTML क्या है, ये डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट की टाइप को, किसको, ब्राउजर को। जैसे मैंने लिखा ना डॉग टाइप HTML, ठीक है, डॉग टाइप HTML लिखा, तो वो जब ये इसका आउटपुट हम देखेंगे ब्राउजर पर तो वो समझ आएगा, ब्राउजर को ये बताने के लिए है, ब्राउजर को ये समझ आ जाएगी कि हाँ ये यूजर जो है ये एक HTML टाइप का डॉक्यूमेंट लिख रहा है, ठीक है। ये डॉग टाइप का ये रोल है। अब नीचे कॉन्सेप्ट समझिए एक टैग्स का, टैग्स क्या होता है, जैसे कि अभी बताया कि HTML में डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट काम करने के लिए हमें टैग्स यूज करते हैं। जिस तरह अगर हमने कोई इमेज लगानी है तो हम एक इमेज का टैग यूज करते हैं, एक पैराग्राफ लिखना है तो हम एक पैराग्राफ का टैग यूज करते हैं, कोटेशंस लगानी है तो कोटेशन का टैग, हमें इटैलिक करना है किसी चीज को तो इटैलिक का, हेडिंग लगानी है तो हेडिंग का टैग, ठीक है। और टैग्स की क्या खास बात है कि हर काम के लिए एक स्पेसिफिक टैग है। जिस तरह ये एग्जांपल जो नजर आ रही है ना आपको, ये टैग लिखा नजर आ रहा है, ये देखें एंगल ब्रैकेट पी और ये क्या है कि ये एक पैराग्राफ का टैग है, ठीक है। ये मैं इसको यूज करके बताता हूँ बाद में, ये एग्जांपल के लिए बताया पैराग्राफ का टैग। और एक बात क्या कि जब भी कोई टैग यूज करना है तो उसका एक क्लोजिंग टैग भी होता है, ठीक है। क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग में क्या फर्क है कि सेम टू सेम वैसे होता है, बस वर्ड से पहले ना ये स्लैश का सिंबल आता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर बी होता तो यहाँ पर स्लैश बी होता, ठीक है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, और इस टैग के सेंटर में हम जो भी चीज लिखते हैं उस पर ये टैग अप्लाई हो जाता है, ओके। लेकिन क्या है कि HTML में मोस्टली ज्यादातर जो टैग्स हैं वो क्या है, डबल टैग्स हैं। डबल टैग्स मतलब उन्हें हमें स्टार्टिंग भी उसकी करनी पड़ती है और उसके बाद कंप्लीट करने के बाद उन्हें इस तरह क्लोज भी करना पड़ता है। लेकिन कुछ टैग्स हैं जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, जैसा कि ये br का टैग है। ये br क्या होता है ये भी यूज करके दिखाऊंगा, लेकिन सिंगल समझने कि इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। ये लाइन ब्रेक करने के लिए जो होता है, एक लाइन से दूसरी लाइन में स्विच होने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसी तरह ये hr horizontal row, horizontal rule, ये एक horizontal line लगाने के लिए यूज होता है, तो इसे भी क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। क्या समझ आ गई आपको,
ये जो टैग है ये भी एक सिंगल टैग है, ये नजर आ रहा है ना, ये सिंगल टैग है ना, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। डॉक टाइप एचटीएमएल की एक लिख ली हमने, क्या एक टैग लिखा, वो हम फाइल में चलते हैं। ओके, तो टैग्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि टैग्स डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टैग्स हैं, कुछ डबल टैग्स हैं, कुछ सिंगल टैग्स हैं, कईयों को क्लोज करना पड़ता है, कईयों को क्लोज नहीं करना पड़ता। अब एक और कॉन्सेप्ट समझिए एट्रीब्यूट्स का, कि एट्रीब्यूट्स क्या चीज है। ठीक है, मिसाल के तौर पर किसी भी टैग को कोई प्रॉपर्टी असाइन करने के लिए, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने एक पैरा लिखा, ठीक है, मैंने एक पैरा लिखा, ये पैराग्राफ है, ठीक है, ये पी का ये टैग नजर आ रहा है, ये पी का ओपनिंग टैग, यहां पर बात कर रहा हूं ओपनिंग टैग, और ये क्लोजिंग टैग है, ये तो सिंपल पैराग्राफ लिख लिया। लेकिन अगर मैंने उस पैराग्राफ पर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं वो पैराग्राफ सेंटर में हो जाए, मैं चाहता हूं वो पैराग्राफ का कलर चेंज हो जाए, तो वो हम क्या करना चाह रहे हैं, पैराग्राफ को एक प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है एट्रीब्यूट का। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स टैग्स के अंदर हम यूज करते हैं, जिस तरह ये जो आपको नजर आ रहा है ना H1, ये H1 क्या चीज है, ये भी एक टैग है जो कि हेडिंग के लिए यूज होता है, इसका प्रैक्टिकल यूज मैं अभी बताता हूं उसके बाद। तो ये देखिए ये क्या है, ये टैग यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर क्लोज हो रहा है, ठीक है, कहां पर, यहां पर क्लोज हो रहा है, ये इसका क्लोजिंग टैग है, ये इसका ओपनिंग टैग है। तो आप गौर करेंगे ये H1 के बाद तो इसको क्लोज होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमने इसके अंदर ये एट्रीब्यूट यूज किया। एट्रीब्यूट क्या यूज किया, अलाइन का एट्रीब्यूट यूज किया, कि हमने बताया कि हेडिंग की जो अलाइनमेंट है वो सेंटर होनी चाहिए, ठीक है, ये इसका भी प्रॉपर यूज बताता हूं, ठीक है। इसी तरह किसी भी टैग के अंदर ये जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं ये ज्यादातर ओपनिंग टैग के अंदर, यानी फर्स्ट टैग, यहां से टैग स्टार्ट नहीं होता, उसी के अंदर हम ये एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं उस कंटेंट पर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए। ओके, ये चीज समझ आ गई कि टैग्स क्या होते हैं, टैग्स की को प्रॉपर्टी देने के लिए हम एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, कई सिंगल टैग्स हैं, कई डबल टैग्स हैं। ओके, तो मैं चलता हूं वापस अपने डॉक्यूमेंट पर, आपको समझ आ गया कि टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो ये एक सिंगल टैग मैंने यूज किया डॉक टाइप एचटीएमएल का। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, इसको करता हूं सेव। आपने एक बात याद रखनी है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये देखिए डॉट सा नजर आ रहा है, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है कि फाइल अभी सेव नहीं है। जैसे मैं कंट्रोल एस का बटन दबाऊंगा तो ये देखिए डॉट यहां से गायब हो जाएगा, जो बताएगा कि फाइल सेव हो चुकी है। देखिए जैसे मैंने कंट्रोल एस किया तो ये देखें डॉट गायब हो गया ना, ठीक है। इसी तरह जैसे मैं कोई चीज न्यू ऐड करने की कोशिश करता हूं, ये देखें अभी मैंने एंटर का बटन दबाया वो फिर डॉट आ गया, क्या इसका क्या मतलब है कि डॉक्यूमेंट को में कोई चीज नई चीज ऐड हुई है, ठीक है। ये DD मैंने लिख दिया, इसको मैं सेव करता हूं। इस तरह जो भी चीज आपने करती जानी है उसको आपने सेव करते जाना है, अदरवाइज उसका आउटपुट शो नहीं होगा। ओके, कंट्रोल एस आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये फाइल से जाकर आप सेव यहां से भी कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसकी जो आउटपुट है वो आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो मैं क्या करता हूं, डॉक्यूमेंट में गया और ये जो फाइल है इसको मैं कर देता हूं ओपन। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा ये क्रोम के ब्राउजर में ओपन होगी और वहां पर इस डॉक्यूमेंट का आउटपुट नजर आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो मैंने जैसे डबल क्लिक किया तो क्या हुआ, एक बिल्कुल ब्लैंक पेज आ गया। ब्लैंक पेज क्यों, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है, सिंपल ब्राउजर को एक टैग बताया डॉक टाइप एचटीएमएल का, जो कि उसको बता रहा है कि हाँ ये एक डॉक्यूमेंट टाइप है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट टाइप किसकी है, एचटीएमएल टाइप का एक डॉक्यूमेंट लिखने जा रहा हूं। ये देखिए ये एक एनटीयू की वेबसाइट थी, ये यहां पर न्यू, इसको एनटीयू की वेबसाइट को मैं अब क्लोज कर देता हूं। तो हमारे सामने ये क्या आ रहा है, हमारे सामने बिल्कुल एक ब्लैंक पेज आ रहा है, जिसके ये देखिए यहां पर इसका टाइटल नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, ये फाइल का नेम, ठीक है। ये भी आपको मैं चेंज करके दिखाता हूं कि ये कैसे चेंज किया जाता है। ओके, तो क्या आ रहा है यहां पर, क्या आ रहा है इस फाइल का नेम, कौन सा, index.html, जो कि हमने फाइल का नेम यहां पर रखा हुआ है। ओके, तो ये नजर आ रहा है। तो ये सिंपल, अब हम इसको और आगे बढ़ते हैं कि कैसे इसमें काम करना है। सबसे पहले जैसे डॉक टाइप html लगाया, उसके बाद हम एक और टैग लगाते हैं जिसे हम कहते हैं सिंपल html टैग, ठीक है। तो देखें दो ऑप्शन है, या तो आप मैन्युअली लिख दें, ये देखें एंगल ब्रैकेट लगाएं और यहां पर मैं लिखूं html, फिर इसे क्लोज करूं। देखिए जैसे मैंने क्लोज किया तो ऑटोमेटिकली उसने उसका क्लोजिंग टैग दे दिया। ओके, ठीक है, ये एचटीएमएल हमें हेल्प करता है इसे शॉर्टकट तरीके में लिखने की। लेकिन आप चाहते हैं कि आप एंगल ब्रैकेट भी ना लगाएं, जल्द से जल्द आप टैग्स राइट करें, तो सिंपल आपको टैग का नाम याद होना चाहिए, तो आप सिंपल लिखेंगे ना एचटीएमएल। देखा मैंने लिखा एचटीएमएल, रिकमेंडेशन में क्या नीचे आ गया एचटीएमएल, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा इसका ओपनिंग टैग भी बन जाएगा और क्लोजिंग टैग भी बन जाएगा।
तो इस पर मैंने जैसे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपनिंग टैग भी आ गया और इसका क्लोजिंग टैग भी आ गया। अब मैं इसको ये जितना भी हम प्रोग्राम लिखेंगे ये डॉक टाइप HTML ये तो कंपलसरी है ब्राउजर को समझाने के लिए कि ये एक HTML टाइप की डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके बाद HTML का एक टैग लगाएंगे और इसका एक क्लोजिंग टैग लगाएंगे, इसके अंदर हम सारा काम करेंगे। ओके, तो इसको मैं नीचे ले गया काफ़ी ताकि इसके अंदर हम और भी काम कर सकें। ये HTML की एक बाउंड्री लग गई, ठीक है। ये इस तरह ही समझ लें जिस तरह हम जब पेपर हल करते हैं तो हम क्या करते हैं स्टार्टिंग पर नाम रोल नंबर लिखते हैं, तो ये एक तरह से हम डॉक्यूमेंट का नाम रोल नंबर ही लिख रहे हैं। ओके, और यहाँ पर ये आखिर पर हम लिखते होते हैं जिस तरह के दी एंड, तो ये एक तरह से दी एंड है डॉक्यूमेंट का। जो भी काम करें हमें इस HTML के टैग्स के अंदर ही करना है। ओके, अब देखिए सबसे पहले अब क्या यूज करेंगे हम यूज करेंगे जिस तरह आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ना पिछले लेक्चर में कि बॉडी में सबसे पहले ऊपर क्या आता है, हेड होता है, हमारा सर होता है, उसके बाद नीचे बॉडी होती है, फिर हमारे फुट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले HTML के अंदर एक टैग यूज होता है जिसे हम कहते हैं हेड टैग, ठीक है। तो मैं हेड लिखूंगा HEAD, जैसे मैंने हेड लिखा तो यहां पर क्या आ गया, हेड टैग, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करके नीचे कर देता हूं, तो यहां पर क्या आ गया, हेड टैग। हेड टैग क्या है कि ये डॉक्यूमेंट का अब हम हेड तैयार करने जा रहे हैं कि स्टार्टिंग पर हम क्या उसको हेड टैग यानी उसको हम बताएंगे कि डॉक्यूमेंट की कुछ टाइटल वगैरह बताते हैं हम इसमें। हेड टैग इसलिए यूज होता है डॉक्यूमेंट को टैग बताता है, उसकी लैंग्वेज बताता है। तो हेड टैग क्या किया, हमने हेड टैग लगाया, उसका क्लोजिंग टैग लगाया। हेड टैग के अंदर फर्दर हम एक और टैग लगाते हैं जिसको हम कहते हैं टाइटल टैग, ठीक है। टाइटल, ये देखिए टाइटल लिखा, ये उसने मुझे दे दिया। अब टाइटल टैग क्या यूज होता है, ये डॉक्यूमेंट को टाइटल देने के लिए, जैसा कि इस वक्त इसका जो टाइटल क्या है ये index.html है ना, लेकिन इसको मैं क्या देना चाहूंगा, टाइटल कुछ और देना चाहूंगा, मैं इसको दे देता हूं चले साइबर मैक्स अकेडमी। ओके, ये इसको मैं टैग दे देता हूं। और इसको क्या करना है आपने, सेव करना है। क्या करना है, सेव। यहां से आपने कंट्रोल एस दबाना है और जैसे आप यहां पर जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन मैंने तो टाइटल ऐड कर दिया है, यहाँ पर तो इंडेक्स HTML ही लिखा हुआ है, चेंज क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जब भी आपने ब्राउजर पे आना है, यहाँ से आने से पहले फाइल को सेव करना है, ब्राउजर पर आने के बाद यहाँ से आपने फाइल को रिफ्रेश करना है, या तो अपने कीबोर्ड से आप F5 का बटन प्रेस कर दें या अदरवाइज यहाँ से रिफ्रेश कर दें। तो मैं माउस से क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने माउस पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्या लिखा आ गया, साइबर मैक्स अकेडमी, ठीक है। ये किसकी वजह से हुआ, ये वजह से हुआ मैंने हेड टैग बनाया उसके अंदर एक टाइटल का टैग यूज किया। ओके, ये बात समझ आ गई आपको कि हेड का टैग यूज किया, उसके अंदर टाइटल का टैग यूज किया जिसने हेल्प किया कि मुझे यूज हेल्प की उसको टाइटल को ऐड करने की। ओके, अब एक और मजे की बात बताता हूं आपको। आप सोचेंगे कि यार जब भी मुझे डॉक्यूमेंट लिखना पड़ेगा पहले मैं ये डॉक टाइप लिखूं, HTML का टैग लगाऊं, उसके अंदर ये हेड का टैग लगाऊं, तो कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका वो मुझे बना के दे दे, ठीक है। तो वो भी मैं बताता हूं, उससे पहले मैं एक और टैग बता दूं, वो होता है बॉडी का टैग, ठीक है। बॉडी का टैग किसके लिए यूज होता है, BODY। ओके, अब मैं HTML की बॉडी को बनाने के लिए मैं बॉडी का टैग यूज करता हूं, ठीक है। ये हेड किस लिए है, ये सिंपल टाइटल बताने के लिए, इसमें कुछ और भी चीजें ऐड होती हैं जो कि आगे मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन बॉडी टैग हम जितना भी काम करेंगे ना वो बॉडी टैग के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। आप गौर करें एक डॉक्यूमेंट टाइप है उसके अंदर HTML का टैग लगा है जो कि एक तरह से बाउंड्री समझ लें डॉक्यूमेंट की, ये HTML का टैग लगना ही लगना है। उसके बाद हमने एक हेड का टैग यूज किया, उसके बाद हेड के अंदर टाइटल वगैरह हमने ऐड कर दिया, ठीक है। बॉडी जो भी काम करेंगे ना हम कंटेंट ऐड करेंगे, जितनी भी कोडिंग करेंगे वो ज्यादातर बॉडी के अंदर ही होगी। ओके गाइस, तो बॉडी के अंदर वो चीज हम ऐड कर देंगे। तो ये तो बॉडी समझ आ गई, ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, ये चीज फिक्स है, हर डॉक्यूमेंट में ये चीज आपको ऐड करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट टाइप HTML, उसके बाद ये हेड बॉडी। अब मैं वो बात बताने लगा हूं कि क्या कोई शॉर्टकट तरीका है जो कि हमें हेल्प करे कि हम ये बेसिक स्ट्रक्चर डायरेक्ट लिखें, तो जी हाँ, मैं क्या करता हूं, इस सारे के डॉक्यूमेंट को मैंने सिलेक्ट किया और क्या कर देता हूं, इसको कट कर देता हूं, मैंने सारी कोडिंग रिमूव कर दी। अब मैं जो आपको मैजिक की बात बताने जा रहा हूं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, अगर नहीं किया तो कर दीजिए। अब क्या करेंगे, शिफ्ट दबाना है और आपने 1 का बटन दबाना है, तो क्या करना है, एक्सली ये देखें, ये साइन आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन। ओके,
जैसे ही एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा तो आपने क्या करना है, एंटर का बटन प्रेस करना है। तो जैसे आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये सारा आपके सामने आ जाएगा। देखिए एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए जादू, देखा आपने क्या किया मैंने, पीडीएफ सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं, एक्सक्लेमेटरी साइन ऐड किया और एंटर किया। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि उसने पूरा क्या किया, बेसिक स्ट्रक्चर मेरे सामने रख दिया। ये देखिए डॉग टैग एचटीएमएल भी खुद ही लिखा गया, ये एचटीएमएल का टैग भी खुद ही लग गया, ये हेड का टैग भी और बॉडी के अंदर टैग भी। लेकिन आप एक बात गौर करेंगे कि मैंने तो हेड के टैग के अंदर सिर्फ टाइटल का टैग यूज किया है, ये तो मैंने यूज किया ही नहीं है। तो ये क्या चीज है, ये मेटा के टैग है, जो कि मेटा क्या होता है, मेटा होता है कि डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। डेटा अबाउट डेटा मतलब कि डॉक्यूमेंट में जो डेटा है वो किस टाइप का डेटा है, ठीक है। ये इतना डिटेल में अभी नहीं हम इसको डिस्कस करेंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगा। सिंपल इसमें ये समझ लें कि हेड में हमने टाइटल यूज किया जो कि डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है वो देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो टाइटल को मैं साइबर मैक्स कर देता हूँ, ओके साइबर मैक्स अकेडमी, और इसको क्या कर देता हूँ सेव। तो अब मैं इसकी आउटपुट देखता हूँ तो आउटपुट वही सेम ही रहेगी क्योंकि अभी कुछ नई चीज ऐड तो की नहीं है, सिंपल हमने उसको टाइटल दिया, ओके। तो ये चीज समझ आ गई कि हमने ये डॉक्यूमेंट को उसका बेसिक स्ट्रक्चर देने के लिए शॉर्टकट की आपको बता दी। अब हम आते हैं कुछ टैग्स को जो कि मैंने बताया ना कि कौन सा टैग किस चीज के लिए यूज होता है, अब हम वो जानते हैं, ओके। तो मैं बॉडी के टैग को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं ताकि हम इसमें इजिली काम कर सके, ओके। एक बात और करेंगे, आप देखेंगे कि ये देखिए ये टैग इसी तरह है, ये भी इस तरह है, जो हेड का टैग है उसके अंदर जो टैग्स हैं वो थोड़े से हट के लिखे हुए हैं। ये क्यों, इसे हम कहते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। यानी जिस तरह हम पाइथन वगैरह में या प्रोग्राम वगैरह लिखते पहले इसकी कंडीशन और उसकी जो बॉडी है वो थोड़ी से अंदर करके लिखते हैं, इसी तरह जो भी टैग्स लगाना है आप कोशिश करें कि उसकी बॉडी को आप यहां पर भी लिख देंगे ना तो कोई एरर वगैरह नहीं आएगा, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना। इस तरह जरा एक ये एक फॉर्मेट है कंप्लीट के टैग के अंदर जो टैग्स हैं वो थोड़ा सा यहाँ से डिस्टेंस दे के लिखे हुए हैं, अच्छे लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह बॉडी के अंदर जो भी टैग लिखूंगा मैं वो थोड़ा सा इंडेंट दे के लिखूंगा यहाँ पर, ओके। तो मैं बताता हूं कि एचटीएमएल में हेडिंग्स को ऐड करने के लिए कौन से टैग्स होते हैं। हेडिंग्स क्या, जिस तरह हम किसी पैराग्राफ के हेडिंग्स देते हैं तो एचटीएमएल जो हमें प्रोवाइड करते हैं हेडिंग्स वो है छह किस्म की, कम अज कम छह किस्म की हैं, और उनकी डिफरेंट विड्थ है, उनकी मोटाई डिफरेंट है, ठीक है, और उनकी थिकनेस डिफरेंट है, हम अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हेडिंग है वो होती है H1, ठीक है। मैं सिंपल H1 लिखूंगा, H1 लिख के जैसे मैं एंटर करूंगा तो खुद ब खुद इसका ओपनिंग टैग भी बन जाएगा और इसका क्लोजिंग टैग भी बन जाएगा। मैंने एंटर किया तो ये देखें H1 की हेडिंग एड हो गई। अब इसके अंदर क्या लिख देता हूं, इसके अंदर मैं लिख देता हूं साइबर मैक्स अकेडमी लिख देता हूं, ठीक है। चले साइबर मैक्स अकेडमी, ठीक है, साइबर मैक्स अकेडमी लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, डॉक्यूमेंट को क्या करता हूं सेव करने वाली बात आपने याद रखनी है। इसके बाद क्या जाता हूं, मैं गया इसके अंदर ब्राउजर के अंदर, और यहां पर क्या हुआ, अभी तो कोई आउटपुट हेडिंग नजर नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि रिफ्रेश नहीं किया ना, तो हर बार हमें इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा, F5 दबा दें या रिफ्रेश कर दें। मैंने जैसे रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि एक हेडिंग लिखी आ गई, ओके, एक हेडिंग लिखी आ गई जिसका नाम क्या रखा था हमने, HTML। तो ये सिंपल हेडिंग देने के लिए एक टैग है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लिखना है तो उसकी हेडिंग देख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी एक और हेडिंग, उसका नाम क्या होता है, H2, ठीक है, H2 हेडिंग, उसके अंदर मैं लिख देता हूं साइबर मैक्स अकेडमी, एक सेकेंड साइबर मैक्स अकेडमी, मैं फिर से क्या करता हूं सेव कर देता हूं। अब ये देखें दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा क्या डिफरेंस है, इसका नाम H1 है, इसका नाम H2 है, डाटा सेम ही लिखा हुआ है इसके अंदर। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहां से जाकर सेव करता हूँ। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो आप देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये H1 के टैग से इस तरह लिखा जाता है, H2 के टैग से ये इस तरह लिखा जा रहा है, क्या हुआ है, थोड़ा सा साइज कम हो गया, ठीक है। इसी तरह H1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। तो मैं तेजी तेजी से टैग्स ऐड कर देता हूँ, ये 3 का ऐड कर दिया, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, इसके अंदर मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ एक बार, Ctrl+C, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ V, इसको मैं कर देता हूँ सेव। इसके बाद इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश, तो देखा आपने ये H3 से इस तरह की हेडिंग लगती है। इसी तरह आप H4 ऐड कर सकते हैं,
जल्दी जल्दी करूँगा मैं, सेव कर देता हूँ इसको, H4 का टैग ऐड कर दिया। इसके बाद इसे कॉल करता हूँ रिफ्रेश, तो ये इस तरह, ठीक है। इसके बाद क्या करता हूँ मैं, करता हूँ H5 का यहाँ पर इसको ये, और इसके बाद 6 भी साथ ही ऐड कर देता हूँ। चले H6 ऐड किया और इसके अंदर मैं लिख दिया साइबरमैक्स अकेडमी, डॉक्यूमेंट को सेव किया। अब मैं क्या करता हूँ इसको, क्या करता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 5 और 6 भी ऐड हो गए। अब समझ आ गई, ये H1 को लिख रहा है, H2 हेडिंग इस तरह की 3, 4, 5, 6 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितने साइज की, जितनी विड्थ की, जितनी थिकनेस की आप उसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये क्या था, सिंपल हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स कितने किस्म के हैं, कम से कम 6 किस्म के हैं। और एक और बात समझ लें, ये जो है ना टैग, ये H1, H2, आप सोच रहे हैं कि ये देखें मैंने ये H1 यहाँ पर लिखा, H2 इसके नीचे लिख दिया, H3 इसके नीचे लिख दिया, तो ये जिस तरह मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एग्जैक्ट ये उसी तरह लाइन में लिखा जा रहा है। तो क्या अगर मैं ये जो H2 है, ये H2 वाला टैग है, इसको मैं इसके सामने लिख दूँ तो क्या डॉक्यूमेंट में ये वाली चीज़ इसके सामने आ जाएगी, तो देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ये H2 वाले को यहाँ से क्या करता हूँ कट करके इसके सामने लिख के दिखाता हूँ आपके, ठीक है। इसके सामने यहाँ पर मैं चले लिख के दिखाता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ सेव। तो इसको मैंने क्या किया सेव, जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो क्या ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो देख लेते हैं। सेव किया तो देखें कोई फर्क नहीं आया, क्यों। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है ब्लॉक टैग का। ब्लॉक टैग क्या मतलब है, ब्लॉक टैग ऐसे टैग्स हैं जब उनको अप्लाई किया जाता है तो वो पूरा ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहली लाइन पर कौन सा टैग यूज हुआ है, H1 का। तो H1 क्या कर रहा है, वो पूरी स्क्रीन यहां से लेकर ये पूरी स्क्रीन को कवर कर रहा है, इसने पूरा यहां तक ब्लॉक कवर कर लिया, ठीक है। ये H1 क्या है, कई टैग्स ब्लॉक टैग्स होते हैं, कई टैग्स नहीं होते। कई टैग्स के अगर मैं लगा देता तो हो सकता था यहाँ पर उसके सामने वो चीज लिखी आ जाती, लेकिन जो हेडिंग टैग है वो क्या है, वो एक ब्लॉक टैग है। जब उसको यूज करते हैं तो वो पूरी स्क्रीन का ब्लॉक कवर कर लेता है, ठीक है। इसी तरह H2 का है, अगर मैं यहाँ पर H3 भी यहाँ से यहाँ तक कट करके इसके सामने लिख दूं ना, तो इसके सामने कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। इसके सामने मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ब्लॉक टैग है जो कि पूरा ब्लॉक कवर करता है, ठीक है। तो ये थी कुछ हेडिंग्स जो आपको बताना जरूरी थी। तो हेडिंग्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि इस तरह से आप हेडिंग ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है पैराग्राफ की, कि अगर हमने कोई पैराग्राफ राइट करना है डॉक्यूमेंट में, वेबसाइट में, तो वो किस तरह से ऐड करना है, तो वो अब मैं आपको दिखा देता हूं। उसके लिए यूज होता है, जो कि मैंने यहां पर भी बताया था एग्जाम्पल के तौर पर, वो होता है पैराग्राफ का टैग जो कि है पी, ठीक है। कौन सा टैग है, पी। जैसे मैं यहां पर पी लिखूंगा, रिकमेंडेशन आ गई मेरे पास पी की, तो मैं पी को एंटर करता हूं, तो मेरे पास क्या हो गया, एक यहां पर लिखा आ गया, क्या लिखा आ गया, एक टैग लिखा आ गया पैराग्राफ का, ठीक है। इसके अंदर मैं डाटा लिख देता हूं कुछ मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, कई बार आपने पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं एज अ सैंपल, आप चाहते हैं कि सैंपल ऑफ वर्ड्स मैं यूज कर सकूं, तो विजुअल स्टूडियो कोड आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है, एक टैग प्रोवाइड करता है जो कि एक सैंपल ऑफ पैराग्राफ लिखने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ये एक बार इस पैराग्राफ को यहां से एंटर करके इसका क्लोजिंग टैग मैं यहां पर ले आया, ठीक है। इसके अंदर जो भी करेंगे इसके अंदर ही करेंगे, ठीक है। यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, लोरम। एक कॉन्सेप्ट है लोरम का, लोरम क्या होता है, लोरम एक कीवर्ड है जो कि आपको हेल्प करता है सैंपल ऑफ वर्ड्स यूज करने के लिए। मैंने क्या लिखा, लोरम। तो जैसे मैंने लोरम लिखा तो ये एक पैराग्राफ लिखा गया, आप सोचेंगे कि ये क्या हुआ, ये तो पूरी लाइन इस तरफ आ गई, तो ये इसने ना पूरा पैराग्राफ जो था वो उसने पूरी एक ही लाइन पर लिख दिया। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना है, जब आपकी कोडिंग आपकी विंडो से बाहर चली जाए, सबसे पहले तो आपने एक काम करना है, ये यहाँ पर ना आपने प्रेस करना है, इसको क्लोज कर देना है, ताकि ये जो इतना एरिया है ना, ये सिंपल फाइल्स के नाम देखने के लिए यूज होता है ना, तो इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं, इस तरह क्लिक करके क्लोज भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। तो आपने इसे क्लोज करके रख लेना है, ठीक है, अपनी मर्जी है, जब नाम देखना हुआ तो आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो इसको मैंने क्लोज कर लिया, लेकिन ये फिर भी स्क्रीन पूरी नहीं आ रही, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑल्ट और जी का बटन, ठीक है। आपने अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और जी का बटन दबाना है, तो क्या होगा, जितना भी ये कोडिंग है ना, वो बजाय कि स्क्रीन से बाहर जाए, वो सारी एक जगह कवर हो जाती है। तो मैं कंट्रोल ऑल्ट जी दबाता हूँ, तो देखिए जैसे मैंने ऑल्ट जी दबाया तो क्या हुआ, ये जो पहले पैराग्राफ था ये एक ही लाइन में लिखा हुआ था, कहाँ तक, ये लिखा हुआ था आगे तक, बिल्कुल आगे तक लिखा हुआ था,
लेकिन अब ये देखें, जैसे मैंने ऑल्ट जी दबाया तो क्या हो गया, जितनी भी हमारी कोडिंग है वो सारी एक ही विंडो के अंदर कवर हो गई। ठीक है, ये आपने फीचर याद रखना है। ये देखिए मैंने लोरम लिखा तो बाय डिफॉल्ट ये इतना सा बड़ा ग्राफ लिखा है, लेकिन अगर मैं और लिखना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल लोरम फिर से लिखूंगा। लोरम आगे वर्ड्स भी बता सकते हैं आके इतने वर्ड चाहिए, मैं 400 लिख देता हूँ। तो मैंने 400 लिखा, जैसे मैंने एंटर किया तो देखें 400 क्या हो गया, उसने वर्ड्स ऐड कर दिए, लेकिन कंट्रोल जी करता हूँ ताकि सिर्फ उतने ही पैराग्राफ रहे। ठीक है, तो ये क्या किया, मैंने एक पैराग्राफ का एक टैग यूज किया, उसमें आपको एक और फीचर बताया लोरम का वर्ड, जो कि आपको सैंपल ऑफ पैराग्राफ सैंपल ऑफ वर्ड्स टू मेक अ पैराग्राफ हेल्प करता है लिखने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ का टैग लिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहां से करता हूँ सेव। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो क्या होगा, यहां पर जाएंगे क्या, आउटपुट आई नहीं, क्यों, क्योंकि रिफ्रेश ही नहीं किया। तो एक बार ब्राउजर को क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, वो पैराग्राफ प्रिंट हो गया एग्जैक्ट। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, पैराग्राफ एग्जैक्ट प्रिंट हो गया है। ओके, समझ आ गई। तो इस तरह आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। अब पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग आपको बताता हूं, जिस तरह के पैराग्राफ में आपने कोई वर्ड लिखना है, क्या लिखना है, आप लिखना चाह रहे हैं कि कोई चीज बोल्ड करना चाह रहे हैं, कोई चीज आप इटैलिक करना चाह रहे हैं, किसी चीज को आप कट करना चाह रहे हैं, ठीक है, शो करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्रॉस लगा है, किसी चीज को आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं, तो ऐसे सूरत हाल में मैं एक बार ये पैराग्राफ जो है इसको कट कर देता हूं और एक पैराग्राफ हम लेते हैं, गूगल से उठा लेते हैं। आप पैराग्राफ, ठीक है, आप पैराग्राफ ऑन पोल्यूशन, चलें ठीक है, पोल्यूशन पर पैराग्राफ है। तो यहां से मैं इसको क्या करता हूं, कॉपी कर लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरह कुछ वर्ड्स समझ आए कि क्या हम पैराग्राफ में लिख रहे हैं। तो इनको कर देता हूं यहां पर पेस्ट और सेव कर देता हूं। तो यहां पर मैं जाके रिफ्रेश करता हूं तो देख सकते हैं यहां पर क्या हुआ कि पोल्यूशन के मतलब एक पैराग्राफ लिखा गया। ठीक है, अब मैं फॉर्मेटिंग करके दिखाता हूं। मिसाल के तौर पर आप एक लिखना चाह रहे हैं वर्ड, ये जो पोल्यूशन का वर्ड है ना, आप इसे बोल्ड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पोल्यूशन वर्ड को, किसी भी वर्ड को आप बोल्ड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यूज करते हैं टैग, कौन सा, बोल्ड का टैग। बोल्ड का टैग कौन सा होता है, सिंपल बी का वर्ड। ठीक है, तो बी का वर्ड मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। चलिए यहां पर मैं लिखता हूं बी। जैसे मैंने बी लिखा तो ये क्या हुआ, बी का ऑप्शन आया, यहां पर बी का टैग लग गया, पैराग्राफ का टैग लगा हुआ है। उसके अंदर हम फर्दर फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं कि सिंपल वर्ड को बोल्ड करना चाह रहे हैं। तो जो भी आपने वर्ड बोल्ड करना है उसको आपने इसके टैग के अंदर लिख देना है। तो ये पोल्यूशन को मैं यहां से कट करता हूं और इस वर्ड को मैं ये बोल्ड के टैग के अंदर क्लोज कर देता हूं। ठीक है, ये बोल्ड बी के टैग के अंदर क्लोज कर दिया। यहां से इसको मैं करता हूं सेव और यहां पर जाकर मैं इसका आउटपुट देखता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये पोल्यूशन जो है ये क्या हो गया, बोल्ड हो गया, नजर आ रही है ना, बाकी एज कंपेयर टू बाकी पैराग्राफ आपको नजर आ रहा होगा कि ये पोल्यूशन बोल्ड हो गया। ठीक है, तो ये बोल्ड करने के लिए क्या है, आपने यूज किया एक बोल्ड का टैग। अगर आप यूज करना चाह रहे हैं इटैलिक करना चाह रहे हैं तो इटैलिक के लिए दो वर्ड्स हैं, एक है आई एम इम्फ और एक है सिंपल आई का। तो दोनों का यूज दिखा देता हूं। मिसाल के तौर पर ये लैटिन का वर्ड मैं करना चाह रहा हूं, ओके, तो लैटिन का वर्ड मैं आई यहां लिखता हूं और लैटिन के वर्ड को मैं यहां से करता हूं कट और आई के टैग के अंदर क्लोज कर देता हूं और उसको करता हूं सेव। और इसके बाद देखते हैं कि लैटिन का वर्ड यहां पर कहां लिखा हुआ है, ये देखिए यहां पर है ना, तो देखते हैं ये इटैलिक होता है या नहीं। मैं F5 दबाता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए लैटिन का वर्ड क्या हो गया इस वक्त, हो गया इटैलिक। अभी आपको इस तरह समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं यहां पर फिर लैटिन लिख देता हूं ताकि आपको फर्क आए समझ कि इटैलिक हुआ है या नहीं। तो इसको कर दिया, यहां से सेव, यहां से करता हूं रिफ्रेश, तो ये देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए लैटिन का वर्ड सिंपल इस तरह है, आई का टैग यूज करने के बाद इस तरह हो गया। लेकिन एक और टैग है जिसे हम कहते हैं इम्फ टैग। ठीक है, अगर मैं ये आई की जगह ई एम भी लिख लूँ ना, इम्फ टैग होता है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर यूज हो जाता है। इसको मैं क्लोज भी, वही जो सा टैग आपने ओपन करा है उसी नाम से आपने उसको क्लोज भी करा है। इसको मैं कर देता हूँ सेव, तो सेव मैं कर दिया, तो आप देख सकते हैं कोई फर्क नहीं आया, दोनों का सेम ही है। ठीक है, लेकिन इम्फ यूज करें, ये लेटेस्ट है तो ज्यादा अच्छा है। तो आप यूज करें ई एम वाला यूज करें इटैलिक के लिए, बोल्ड के लिए बी और इम्फ के लिए ये। अब मैं किसी वर्ड को करना चाह रहा हूँ अंडरलाइन, तो अंडरलाइन के लिए क्या वर्ड होता है, मिसाल के तौर पर कौन सा वर्ड आपने
चले ये ड्राइव का वर्ड है ना, इसको मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूं। तो इसके लिए एक टैग यूज होता है, इसको हम कहते हैं यू का टैग, ठीक है, यू का टैग कहते हैं। तो सिंपल मैं यहां पर यू लिखूंगा और इसका क्लोजिंग टैग खुद ब खुद बन गया। और ड्राइव को क्या करता हूं, यहां से करता हूं कट, यहां से जैसे मैं कट करूंगा उसके बाद इसको क्या करना है, यू के अंदर मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। और कंट्रोल क्या करता हूं, एस, जैसे मैंने कंट्रोल एस किया तो यहां पर ये जो टैग है इसके अंदर ड्राइव क्लोज हो गया। इसका आउटपुट देखते हैं अब, जैसे ये ड्राइव का वर्ड है ना, इस वक्त ये अंडरलाइन नहीं है, गौर करें, ठीक है, ये अंडरलाइन है। जैसे इसको मैं सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि क्या हो गया, ड्राइव का वर्ड अंडरलाइन हो गया, ठीक है। बी के टैग से, पी के टैग से पैराग्राफ लिखा गया, उसके अंदर हमने फर्दर फॉर्मेटिंग करने के लिए बी का टैग यूज किया बोल्ड, यू का उसके लिए ड्राइव, और अंडर इटैलिक के लिए एक यूज किया इम्फ का टैग, ई एम का, ठीक है, या आई का, दोनों में से जो मर्जी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये तीन चीजें समझ आ गई कि आपको कोई बोल्ड करना होगा ये चीज। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हाईलाइट का। किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए कौन से नाम का टैग यूज होता है, उसके लिए एचटीएमएल में एक टैग है जिसको कहते हैं हम क्या कहते हैं हम, मार्क का टैग, मार्क। ओके, इसको यूज करके दिखाता हूं, इसको मैं कर देता हूं एक सेकेंड। ओके, यहां पर मार्क मैं लिखता हूं एम ए आर के, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर मार्क लिखूंगा, ठीक है, इसको खुद ब खुद मुझे लिखना पड़ेगा, ये मुझे रिकमेंड नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, यहां पर मार्क लिख दिया। ओके, मार्क का क्लोजिंग टैग बन गया, लेकिन जिस चीज को मैंने करना है हाईलाइट उसको उसके टैग के अंदर मुझे लिखना होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हार्मफुल सब्सटेंसेस का वर्ड है, इसको मैं करना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, इसको मैं करना चाह रहा हूँ हाईलाइट, तो मैं लिख दिया इसके अंदर, इसको करता हूँ सेव। मैंने सेव किया, अब मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट, तो अभी तक अप्लाई नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अभी रिफ्रेश नहीं किया। तो ये देखिए हार्मफुल सब्सटेंसेस यहाँ पर लिखा हुआ वर्ड, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि क्या हो गया, इसके अंदर ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। इस तरह आप किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए आप इसको मार्क का टैग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और टैग यूज करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्राइक या एस या डेल। ये तीन टैग्स हैं जिनका एक ही काम है, ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देता हूं। तो यहां पर मैं पैराग्राफ थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूं, ठीक है। यहां पर मैं यूज करूंगा स्ट्राइक, कौन सा, एस का टैग, सिंपल एस का, सिंपल एस का टैग यूज किया। और यहां पर मैं लिखता हूं फरासत, ओके, क्या लिखा मैंने यहां पर, क्या लिखा, फरासत, इसको मैं करता हूं सेव। अब देखते हैं कि इसका डॉक्यूमेंट पे कोई फर्क आया या नहीं, तो यहां पर फरासत अभी लिखा नहीं आ रहा, तो मैं इसको कर देता हूं सेव। जैसे मैंने सेव किया तो क्या हुआ, यहां पर क्या आ गया, फरासत लिखा गया, लेकिन ऊपर क्या लगा आ रहा है, लाइन, ठीक है। इस तरह होता है कि कोई वर्ड आप बताना चाह रहे हैं तो ना, कई बार होता है कि यहां से ये वर्ड कट हुआ है, इसकी जगह मैंने ये वर्ड लिखा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर फरासत ये लिख दिया, इसके बाद मैं फरासत की ये स्पेलिंग, चले ए स्टार्टिंग पर लगा देता हूँ, चले अब ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है, अब मैं सही स्पेलिंग लिखना चाह रहा हूं, तो वो मैं लिख देता हूं फरासत, यहां पर लिख दिया, इसको कर देता हूं सेव। तो ये इसलिए यूज होता है, ये देखें ये क्या बता रहा है कि ये स्पेलिंग गलत है, ये वाले सही है, ठीक है, तो ये इसलिए यूज होता है। और इसके अलावा कौन सा, एस का टैग होता है और एक होता है स्ट्राइक का, सिंपल स्ट्राइक, उसका काम भी यही होता है, ठीक है। यहां पर भी मैं सेम लिखता हूं फरासत, इसको कर देता हूं सेव, और यहां पर करता हूं मैं रिफ्रेश। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें फरासत यहां पर भी लिखा रहा है, यहां पर भी लिखा रहा है, तो दोनों का काम सेव है। एक और टैग है जो यही काम करता है, तो यहां पर आ रहा है डेल का, ठीक है, डेल का, डेल का टैग भी इसीलिए है, इसके अंदर भी फरासत लिख दिया, इसको किया सेव, इसको करता हूं मैं रिफ्रेश। तो देख सकते हैं तीनों क्या हो रहे हैं, तीनों का सेम ही काम है, इस तरह लाइन लगाकर वो बता रहा है कि सिंपल किसी वर्ड को लाइन करने के लिए आप लगाते हैं, ठीक है, ये इसलिए यूज है। लेकिन एक बात आपने गौर की होगी, क्या, कि यहां पर तो मैं पैराग्राफ यहां से यहां तक लिखा, इसके बाद मैंने एंटर दबाया तो ये यहां पर लिख रहा हूं, लेकिन जो आउटपुट है उसमें फरासत तो एग्जैक्ट इसके सामने ही आ रहा है, लिखा यहां पर लिखा आ रहा है, ये देखिए ना, यहां पर पैराग्राफ, इसको तो चाहिए था यहां पर लिखा है, तो ये लाइन ब्रेक क्यों नहीं हुई, क्यों, क्योंकि ये भी एक ब्लॉक टैग है। लेकिन अगर आप लाइन ब्रेक करना चाह रहे हैं पैराग्राफ में, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होता है, अब वो देखते हैं। तो उसके लिए यूज होता है ब्रेक का टैग, ठीक है, ब्रेक का टैग, बी आर टैग कहते हैं उसे। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि यहां पर
ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है ना, यहाँ से ये पैराग्राफ कंटिन्यू हो, न्यू लाइन से कंटिन्यू हो, तो यहाँ पर मैं ब्रेक का टैग लगाऊंगा। ब्रेक का टैग क्या होता है? बी आर। मैं लिखता हूँ बी आर। क्या बी आर क्लोजिंग टैग भी होता है? नहीं, ये एक सिंगल टैग है। मैंने जैसे बी आर ऐड किया तो क्या हो गया, यहाँ पर ब्रेक का टैग ऐड हो गया, तो ये खुद ब खुद लाइन ब्रेक कर देगा। अब मुझे जरूरत नहीं है कि बी आर लिखने के बाद मैं इसे एंटर दबा के नीचे ले आऊँ, ठीक है, जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही समझ आएगा कि अच्छा इसने बी आर का टैग यूज किया, इसका मतलब ये चाहता है कि यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाए। तो इसका मैं करता हूँ यहाँ से सेव, और यहाँ से करता हूँ मैं इसको रिफ्रेश। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप गौर करेंगे ये पूरी लाइन यहाँ से ब्रेक होकर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगी, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, समझ आ गया इसका रोल। कि यहाँ पर आप कहीं पर भी लगा देते ना, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर बी आर लगा लेता हूँ, यहाँ पर सेव कर दिया, तो ये यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, ये देखिए यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई। जहाँ पर मर्जी लगा दें, ये लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होता है। लेकिन हम यूज़ करना कहाँ चाह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है, चलिए यहाँ पर कर दें या यहाँ पर कर दें, जहाँ से भी आपने लाइन ब्रेक करनी है आप वहाँ से कर दें बी आर, ठीक है। यहाँ पर बी आर ऐड कर दिया, इससे क्या होगा, लाइन ब्रेक यहाँ से होकर ये फ्रासत जो तीन है ये नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश, लेकिन अभी मैंने सेव नहीं किया, कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पर जाकर करता हूँ उसको सेव। जैसे मैंने सेव किया तो ये तीनों फ्रासत यहाँ पर आ गए, लेकिन मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, ये वाला फ्रासत इसके नीचे है, ये वाला इसके नीचे, तो यहाँ पर भी ब्रेक टैग यूज होगा, यहाँ पर भी, ठीक है, उससे बाद में यहाँ पर भी एक ब्रेक टैग लगा देता हूँ बी आर, यहाँ पर लगा देता हूँ एक, ठीक है। यह समझाने के लिए ना मैं इसके चले सेंटर में कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक ब्रेक लगा रहा हूँ, यहाँ पर भी एक ब्रेक लगा रहा हूँ, ओके गाइस, समझ आ गई। तो ये सिंपल लाइन ब्रेक करने के लिए लगा रहा हूँ मैं। आप सिंपल आमतौर पर जितनी मर्जी यहाँ पर देते रहे ना लाइन टैक्स, यहाँ पर एंटर करके मैं नीचे लाता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं आएगा जब तक ब्रेक टैग आप यूज नहीं करेंगे, ओके गाइस। तो इस तरह से ये ब्रेक का यूज हो गया, आपको समझ आ गया। ये ब्रेक टैग इसलिए होता है कि लाइन को ब्रेक करने के लिए, ये तीनों लाइन ब्रेक हो गई है, देखिए इस तरह लिखा आ गया, ओके। तो हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये चीजें सब पढ़ ली। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है कि हॉरिजेंटल लाइन लगाने के लिए। अगर आप चाह रहे हैं कि एक पैराग्राफ लिख रहा है मैं इसके नीचे लाइन लगाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक टैग है जो कि है हॉरिजेंटल रूल, एच आर का टैग। जिस तरह बी आर का क्या है, ब्रेक रूल, के ब्रेक लाइन, ब्रेक रो, ब्रेक रो, और इसका क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन, एच आर। इसको मैं करता हूँ सेव, तो आप देखेंगे यहां पर लगाया ना तो ये इसके नीचे एक लाइन लग जाएगी। यहां पर सेव करता हूं तो इसके नीचे ये देखें लाइन लगी, शायद आपको नजर ना आए, लेकिन मैं चले जूम करता हूं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम, ये मैंने कंट्रोल प्लस से किया है, ये देखें अब लाइन नजर आ रही है आपको, इस तरह ये लाइन ब्रीक सी लाइन लग जाएगी, ओके। अब मैं इसको जूम बैक कर देता हूं, ठीक है, चलिए इतना सा जूम रहने देते हैं, ओके। अब वापस चलता हूं कोड के अंदर, तो ये एच आर का टैग इसलिए है, ये एक हॉरिजेंटल रो, हॉरिजेंटल रूल, एक लाइन लगाने के लिए यूज होता है। अब हम एक और टैग पढ़ेंगे जो कि होता है, किस चीज का टैग होता है, वो होता है किसी चीज को सुपरस्क्रिप्ट, यानी किसी चीज को पावर में लिखना हो तो तब कैसे, जैसे कि मैथ के क्वेश्चन नहीं होते या केमिस्ट्री के फार्मूले लगा लें कि एच टू ओ, अब टू नीचे लिखा होता है बेस में, तो किसी भी चीज को पावर में लिखना, यानी पावर में लिखने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, सुपरस्क्रिप्ट का, और किसी चीज को बेस में लिखने के लिए कौन सा यूज होता है, सबस्क्रिप्ट का, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं कि किसी चीज को पावर में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम एक और यहां पर मैं ब्रेक का टैग लगाता हूं ताकि हम प्रॉपर ब्रेक ले सकें एक लाइन की, और यहां पर मैं एक न्यू पैराग्राफ राइट करना चाह रहा हूं। न्यू पैराग्राफ नहीं, हम उसी पैराग्राफ में लिख देते हैं एक, यहां पर मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, चलिए हेडिंग का दे देता हूं, ठीक है। यहां पर मैं एक हेडिंग लिखना चाह रहा हूं, H1 की हेडिंग लगा ले, H1 की हेडिंग लगा ली, पैराग्राफ के अंदर ही मैं एक और हेडिंग लगाना चाह रहा हूं, तो इसको नाम क्या देते हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्केयर, ठीक है। अभी स्केयर नहीं लगा दूं क्योंकि टू ही लिखा है, तो मैं बताता हूं ये स्केयर में कोई भी चीज पावर में लिखते कैसे। इसको मैं कंट्रोल सेव किया और यहां पर मैं रिफ्रेश करता हूं, तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा आ गया, E इज इक्वल टू एम सी स्केयर, ओके। तो ये क्या किया है मैंने, ये दरअसल एक हेडिंग लगाई है, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि इस पर जो मैं एक और टैग अप्लाई करने वाला हूँ अच्छे से समझ आए, ठीक है। ये लिखा किसके अंदर है, ये है हेडिंग के टैग के अंदर ही लिखा हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से सेव, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि ये जो है टू, इसको मैं पावर में कैसे लिखूंगा। पावर में लिखने के लिए एक टैग यूज होता है जिसको हम कहते हैं
SUP, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट फॉर्म के नाम से एक टैग है SUP, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, SUP। तो जैसे मैंने SUP लिखा, रिकमेंडेशन आ गई, तो SUP लिखा गया। अब जो भी चीज आपने पावर में लेके जानी है ना, आपने उसको ये SUP के टैग के अंदर क्लोज करना है, ठीक है। यहां से मैं 2 लेके जाना चाह रहा हूं पावर को, यहां से मैं 2 कट करता हूं, ठीक है, और इज इक्वल टू MC, यहां पर मैं करता हूं उसको सेव, ठीक है। इज इक्वल टू MC क्या हो गया, सुपर, सुपर का टैग लगाया कि ये चीज मैं पावर में लिखना चाह रहा हूं। अब मैं करूंगा इसको सेव, तो अब देखते हैं इसका रोल यहां पर। जैसे मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो आप गौर करेंगे ये जो 2 है ये यहां पर पावर में पहुंच जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश किया, देखा आपने इज इक्वल टू MC² लिखा गया। तो SUP का टैग क्या करता है, ये टैग हमें हेल्प करता है किसी भी चीज को पावर में लिखने के लिए। यहां से मैं लाइन करता हूं ब्रेक ताकि हम नेक्स्ट लाइन पर फिर से अप्लाई कर सकें। यहां पर लिखा BR, ओके BR का, चले एक और BR लगा देता हूं ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाए, तो एक और BR लगा दिया, ठीक है। अब मैं कर देता हूं सेव। आप जितनी लाइंस ब्रेक करना चाह रहे हैं आप उतने BRs लगा सकते हैं, ओके। अब मैं यहां पर लिखता हूं चले H2O, ठीक है, ये वाटर का फार्मूला पता है ना आपको। तो क्या करता हूं, यहां पर लिखता हूं मैं H2O, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल H2 और यहां पर O, ठीक है। अब मैं इसको करता हूं सेव और इसको यहां पर करके दिखाता हूं, लिख के दिखाता हूं। तो आप गौर करेंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है, H2O, लेकिन 2 क्या है, सिंपल लिखा हुआ है। इसको सबस्क्रिप्ट में कैसे लेके जाना है, उसके लिए एक न्यू टैग है, उसको हम कहते हैं जिस तरह इसका SUP था वो होता है SUB, ठीक है। कौन सा होता है, SUP, सबस्क्रिप्ट की शॉर्ट फॉर्म के नाम से टैग SUB लिख दिया, ठीक है। अब जिस चीज को आपने लेके जाना है, जिस तरह पावर में लेके जाना था, तो उस वर्ड को उस टैग के अंदर क्लोज किया था, इसी तरह आपने भी उस वर्ड को क्लोज करना है। तो 2 को मैं यहां से करता हूं कट और इसके अंदर कर देता हूं क्लोज। तो क्या आप सही लिखा हुआ है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये ओ तो आखिर पे आना चाहिए था। तो यहां से मैं इसको करता हूं थोड़ा सा बैक स्पेस, एच सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा जाए और उसके बाद यहां पर क्या है, ओ, ठीक है। अब मैं करता हूं इसको सेव, लिखा गया H2O। अब देखते हैं क्या ये इसकी सबस्क्रिप्ट में पहुंचता है या नहीं। रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया है, यहां पर पहुंच गया, ठीक है। इज इक्वल टू MC² भी हो गया और H2O सबस्क्रिप्ट में भी लिखा आ गया। ओके ओके गाइस, तो आपको समझ आ गई कि ये पैराग्राफ का टैग है, उसके अंदर मैंने कुछ आपको और टैग्स बताए। ये आपने ना पेज पे नोट करते जाना है, उसके बाद आपने वीडियो के बाद आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, इसकी साथ साथ भी कर सकते हैं वीडियो के, ओके वीडियो बार बार देख सकते हैं आप, और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि बाकी तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। ओके, ये बात समझ आ गई कि सुपर स्क्रिप्ट में इस तरह लिखना है, सबस्क्रिप्ट में इस तरह लिखना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वगैरह करने आगे। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता देता हूं, वो क्या है कि पैराग्राफ में अगर आपने कोई चीज ऐड करनी है, कौन सी चीज, स्पेस ऐड करनी है, तो वो कैसे ऐड करेंगे। तो हम फिर से, मैं एक सेकेंड, पैराग्राफ यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, पैराग्राफ अबाउट पाकिस्तान लिख देते हैं, ठीक है, पैराग्राफ अबाउट पाकिस्तान। तो यहां से मैं इसको उठाता हूं, कॉपी करता हूं और यहां पर चले एक नया पैराग्राफ लगाता हूं, एक और बी का टैग लगा के हम उसमें लिखते हैं, नया काम करते हैं। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूं, उसको सेव कर देता हूं और कंट्रोल एस कर देता हूं। तो देखते हैं इसकी आउटपुट, आउटपुट यहाँ पर आ रही है हमारी। तो उसका कंट्रोल सेव किया, तो आप गौर करेंगे तो उसके नीचे ये क्या हो गया, पैराग्राफ ऐड हो गया, या ये स्क्रीन के काफ़ी नीचे जा रहा है, या इस तरह ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और HR लगा देता हूँ, यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने एक और HR लगा देना, क्यों, ताकि एक लाइन सी लग जाए, अच्छी लगेगी, और HR लगा दिया, चले यहाँ पर वो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, आप गौर करें, जिस तरह मैंने बताया नहीं था कि यहां से मैं इस तरह लाइन ब्रेक करूं एंटर दबा के, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक क्या कि मैं टैग यूज को नहीं करता, कौन सा, ब्रेक वाला, तब तक लाइन ब्रेक नहीं होगी, मैं जो मर्जी ये कोडिंग में करता रहूं। लेकिन मैं गौर करें, अगर मैं देना चाह रहा हूं यहां पर कुछ स्पेस, तो ये स्पेस कंसिडर करेगा, जिस तरह ये देखे पाकिस्तान इज द 34th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। इस तरह मैंने क्या दिया, यहां पर क्या किया, प्रॉपर स्पेस दे दी, तो उसको मैं कर देता हूँ सेव। तो अगर मैं इसकी आउटपुट देखूंगा तो क्या आउटपुट में ये इस तरह स्पेस नजर आएगी, क्या आएगी, देख लेते हैं, क्या देखते हैं, यहाँ पर स्पेस नजर आती है, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो क्या हो गया, यहाँ पर कोई स्पेस
शो नहीं हुई, ठीक है, स्पेस शो नहीं हुई, क्यों? क्योंकि ब्राउजर नहीं समझता कि ये यूजर ने स्पेस दी है। तो अगर आप देना चाह रहे हैं यहाँ पर स्पेस, तो वो स्पेस किस तरह दी जाती है, उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है, एक टैग यूज होता है, टैग तो नहीं कहेंगे फंक्शन, वो कौन सा होता है, नॉन ब्रेकेबल स्पेस, नॉन ब्रेकेबल, उसका नाम क्या है, नॉन ब्रेकेबल स्पेस। तो याद कैसे रखना है, एंड का सिंबल सबसे पहले लगेगा, ठीक है, एन बी एस पी, ठीक है, ये देखें, जैसे मैंने एन बी, आप ना छोटे छोटे वर्ड्स याद रखा करें, ये खुद ब खुद कोडिंग वाला ना रिकमेंड कर देता है कि आप ये तो नहीं यूज करना चाह रहे, तो मैंने जैसे एन बी लिखा, तो ये देखें कई फंक्शंस आ गए, लेकिन हम सिर्फ पहला फंक्शन यूज करेंगे एन बी पी एस का। तो मैं जैसे इसको एंटर करूंगा, तो ये क्या है, ये फंक्शन सिर्फ एक स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये देखें मैं इसको कर देता हूँ सेव यहां से, तो उसके बाद क्या होगा, ये सिर्फ एक स्पेस लेगा, ठीक है, ये क्या है, सिर्फ एक स्पेस, यानी ये जितना एक बार स्पेस का बटन दबाने से स्पेस नहीं होती, उतना स्पेस ले लेगा। तो देखेंगे आप कंट्री और इनके दरमियान आउटपुट में फर्क आया या नहीं, तो वो देखते हैं, कंट्री और इनके दरमियान देखिएगा थोड़ा सा फर्क आएगा, देखिएगा जैसे मैंने सेव किया तो देखा आपने ये एक स्पेस लग गई। आप जितनी स्पेसेस देना चाह रहे हैं किसी पैराग्राफ के अंदर, उतने आपको एन बी एस पी यूज करने होंगे, ठीक है, एन बी एस पी यूज करने होंगे। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सी और यहां से करना कंट्रोल वी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ सेव, तो इसको मैंने जैसे सेव किया तो देख सकते हैं यहाँ पर 6 स्पेसेस आ गए। जितनी भी आप स्पेस देना चाहें आप उतने एन बी एस पी यूज करें, और आप पैराग्राफ में आप उतनी स्पेसिफिक स्पेस दे सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज वो स्पेस कंसीडर नहीं करेगा। एन बी एस पी, नॉन ब्रेकेबल स्पेस, याद रख लें वर्ड, तो एन बी लिखेंगे तो वो रिकमेंड कर देगा। ओके, तो समझ आ गई कि किस तरह से हमने इसके अंदर स्पेसिस ऐड की और ये चीज ऐड की। आज के दिन हमने क्या किया, फाइल क्रिएट करना सीखी, उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा, और उसके बाद क्या किया, उसके बाद आपको कुछ हेडिंग्स बताई, पैराग्राफ लिखना बताया, और उसमें बोल्ड इटैलिक उसको अंडरलाइन वगैरह करना सारा बता दिया, और उसको ये स्ट्राइक करना, और उसके बाद इसको सेव कैसे करना है, और बात कौन सी याद रखनी है, जब भी कोडिंग करनी है डॉक्यूमेंट को पहले सेव करना है, उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश करना है ताकि साथ साथ आउटपुट आपको नजर आती रहे। ओके, आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आप ये प्रॉपर सीरीज फॉलो कर रहे हैं। अगर फॉलो कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो फॉलो करते रहना है, तो मिलता हूँ मैं फिर आपको अगले लेक्चर में। इकबाल के शीरीनों, अल्लाह हाफिज़।